यहाँ पे डिज्नी क्रूज के लिए वैकेंसीज निकल के आ चुका है। तो डिज्नी क्रूज में कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसीज है पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे ना चारों डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। और फूड एंड बेवरेज सर्विस में आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर, ठीक है, फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजर, फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट, सब के लिए वैकेंसीज है। हाउसकीपिंग में एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, और फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन में आपका सीडीपी के लिए वैकेंसी और डीसीडीपी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट को छोड़ के अगर आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए भी यहाँ पे जॉब है, ठीक है, जो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है जो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो देखिए गाइस, ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का बटन है, जहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और ए टू जेड डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग, कहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना है। तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अप्लाई हेयर और अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा लेट मत कीजिए, नहीं तो फिर जो है वो भी चला जाएगा हाथ से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्रूज लाइन के जॉब के लिए ना, क्रूज शिप जॉब के लिए आप लोगों को स्पेशली शिप के जॉब के लिए आपको ना मतलब फिजिकली और मेंटली बहुत फिट होना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली अगर आप लोग फिट नहीं हैं तो क्रूज के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं राइट, कि क्रूज जॉब्स के लिए आप लोगों को मिनिमम 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब कुछ आप लोगों को उस लिंक पे जाके आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो जाइए जल्दी कीजिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।